एक और नेता के बारे में पूछेंगे सर, जो चुनाव तक तो बहुत ही प्रासंगिक बने हुए थे, कभी तेजस्वी के साथ हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे, मछली खा रहे थे, लेकिन अब अचानक से वो बिहार की राजनीति से गायब हो चुके हैं, मुकेश सहनी जी। बिल्कुल। तो सर उनका क्या अभी भविष्य है, आने वाले समय में क्या उनका स्ट्रेटजी रहेगा? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी प्ले कर रही है, जैसे हरी सहनी वाला मामला था जो उनको बनाया गया, और उसके बाद मुजफ्फरपुर में जो सीट राजभूषण चौधरी निषाद जो मंत्री बन गए, तो बीजेपी पूरी तरीके से पूरी ताकत लगाएगी कि मुकेश सहनी मतलब अंडर प्ले करें, कोई मतलब उनका डोमिनेंस नहीं रहे बिहार की राजनीति में। ठीक है, 1-2% 3% वोट उनका रहे और उसी हिसाब से वो चीज़ें करें। मुझे ऐसा लगा जो कुछ भी उन्होंने किया, मतलब इस 2024 के चुनाव में कि वो एक हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, ये जो राजनीतिक रूप से अपरिपक्वता जो है ना, वो साफ दिख रही थी उनके अंदर। तो सर, चूँकि आपने ग्राउंड पे काम किया है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि क्या उनका वोट RJD को ट्रांसफ़र हुआ इस बार? अगर हुआ तो फिर भी 4 सीट ही क्यों? देखिए, आप एक बात को समझिए कि एक नेता जो इस तरीके से भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि उसको 3 टिकट मिले और वो खुद चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं रहे, तो आप समझ सकते हैं कि उनका अपने जाति के हिसाब से क्या कॉन्फिडेंस है और उनको अपने नेतृत्व पे क्या कॉन्फिडेंस। सवाल तो ये भी उठता है कि अगर आपके अंदर वो काबिलियत है तो आप भी चुनाव लड़ के आप सीटें निकाल सकते हैं। अगर आप निगोशिएशन टेबल पे गए हैं RJD के, तो क्या आप अपनी एक सेफ सीट भी, मुजफ्फरपुर की एक सीट भी आप ले सकते थे, वहाँ से फाइट कर सकते थे, अगर आप अच्छे नेता तो वहाँ से जीत भी सकते थे। लेकिन आपने दिखाया कि नहीं, मतलब मैं नहीं लड़ूंगा, मैं बाकियों को लड़ाऊंगा और बाकियों को उन लोगों को लड़ाऊंगा जहाँ जो RJD चाहेगी जिन नेताओं को लड़ना, तो वो आपको। और इल्जाम को जैसा भी लगा कि पैसा लेकर टिकट दिया गया। देखिए, ये सब चुनाव में सब बातें होती रहती है, सब नेताओं पे जिनको टिकट नहीं मिलता है वो इस तरीके की बातें करते हैं। अब कितना वो सही है कितना गलत है उस पर तो हम लोग बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, राजनीति में ऐसा भी होता है, इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि उनको अगर 1% भी अगर ऐसा लगता है कि वो चुनाव जीत सकते हैं तो लोकसभा में जरूर जाते हैं। अभी बिहार में उपचुनाव भी होने वाली है, कुछ सीटें खाली हुई थी, सुरेंद्र यादव की, मांझी जी की, रुपौली सिंह, बीमा भारती की, तो सर इस सीट पर इलेक्शन कैसे होगा? क्या इसमें महागठबंधन इंटैक्ट रहेगा? क्योंकि देख रहे हैं कि आपस में ही लोग सीट के लिए लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये सीट RJD को मिलना चाहिए तो ये कांग्रेस को, ये लेफ्ट को, तो क्या कंडीशन लग रहा है सर? देखिए, चुनाव से पहले जितने भी गठबंधन में पार्टियां होती है वो मतलब फाइट तो करती ही हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले। जो सबसे बड़ी पार्टी होती है वो सबसे ज़्यादा सीट लेके जाती है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि रुपौली जो सीट है वो RJD 100% लेगी, वो तो पहले ही फाइनल कर चुकी, बीमा भारती रहेगी। उसके बाद दूसरे नंबर की जो सीट है वो आपका रामगढ़ है, ठीक है, तो वहाँ से ऑलरेडी वो RJD के विधायक रहे हैं, जगदानंद सिंह जी को बेटे, दूसरे बेटे, हाँ वो ऑलरेडी रहे हैं। सुरेंद्र यादव की जो सीट खाली हुई है बेला, वो ऑलरेडी RJD की है। तो आप कौन सा सीट खोजते हैं, बात तो ये RJD की सारी सीट है। दूसरी बात जिसको लोग नहीं समझ रहे हैं, अगर RJD इस बार से 3-4 सीटें उनकी अपनी सीट है, इमामगंज की एक सीट है जो मांझी जी जीते हैं, वो भी अब किनको मिलता है महागठबंधन में वो देखने वाला बात होगा। लेकिन अगर RJD इन तीनों सीटों पे, चारों सीटों पे अगर जीत नहीं हासिल कर पाती है तो उनके लिए बहुत प्रश्न चिन्ह लगेगा आने वाले समय में, क्योंकि तेजस्वी यादव जब पूर्णिया गए थे उन्होंने 3 दिन कैंप किया, 3-4 दिन शायद रुके, सारा चीज़ किया, भाषण दिया, कोशिश ये किया कि भाई हमें नहीं वोट कर रहे हो तो किसी और को कर दो, जिस तरीके से, हाँ जिसको भी कर दो। तो उसके बाद भी अगर आपके कैंडिडेट का ये हाल है कि 25,000 वोट लाता है वो, दूसरा बात जो संतोष कुशवाहा हैं वो चुनाव हार जाते हैं, कोई एक निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है, तो फिर बात तो ये भी उठेगी ना कि आपका लीडरशिप क्या है, एक्सेप्टेड नहीं है, नहीं है। तो ये भी तेजस्वी यादव को सोचना पड़ेगा। और रुपौली से अगर बीमा भारती हार जाती है, बात समझिए, अगर रुपौली से पप्पू यादव जान लगा देंगे कि बीमा भारती हार जाए, अगर बीमा भारती हार जाती है तो तेजस्वी यादव के लीडरशिप पे प्रश्न चिन्ह लगना तय। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि जिस तरह से यूपी में अखिलेश जी को एक्सेप्ट कर ली जनता, बिहार में तेजस्वी जी एक्सेप्ट इतने मेहनत के बाद भी नहीं हो पा रहे हैं उस तरीके से, क्योंकि उनका क्षेत्र पूर्णिया में ही हार गए। आप मोटा मोटी इस बात से समझिएगा कि यूपी में अखिलेश जी क्यों एक्सेप्ट, जनता ने एक्सेप्ट कर लिया या चुनाव जीत गए। देखिए, जनता एक्सेप्ट करे और आप चुनाव जीते, दो बिल्कुल अलग अलग बात है, ठीक है। वो वहाँ पे चुनाव जीते हैं,
ठीक है, बिहार में तेजस्वी यादव क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं या पब्लिक उनको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते हैं, इसको तो समझिएगा। अब चाचा से उनकी दूरियां बढ़ी, मतलब अखिलेश जी की बात कर रहे हैं, उनको उन्होंने मना के लेके आए वो। फिर और भी जो लोग थे जो उनसे नाराज थे उनके पास गए बैठे, उनको अपने साथ लेके आए। एक बार उन्होंने बसपा के साथ भी समझौता किया, वहाँ से भी मजबूत हुए, कांग्रेस के साथ आए जो उनके प्रतिद्वंदी थी, कांग्रेस के साथ भी समझौता किया। दूसरी तरफ इसके इतर अगर आप बात करेंगे बिहार में तेजस्वी यादव की, तो हर किसी से वो लोहा लेने के लिए तैयार है। आप देखें पप्पू यादव के साथ वो लोहा ले लिए, और भी जितने लोग हैं जो भी यूथ लीडर है, जैसे कन्हैया कुमार को एंट्री नहीं करने दिए बिहार में, तो ये सारी चीज़ों जो है ना वो ये दिखाती है कि राजनीतिक रूप से अभी आप परिपक्व नहीं हुए हैं। अभी जो लालू जी का बना बनाया जो चीज़ें हैं उसी के ऊपर आप राजनीति कर रहे हैं, अपने तरफ से कुछ एक्स्ट्रा ऐड अभी आप तक नहीं कर पाए। ठीक है सर, आखिरी सवाल ये है कि चुनाव कब होने वाला, क्योंकि बिहार की जनता को लग रहा है कि चुनाव कभी भी हो सकता है। देखिए अगर राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं चल रही है अगर उसको आप समझने की कोशिश करें तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए। इसके पीछे दो कारण हैं, मोटा मोटी जो कारण है वो ये है कि वो नहीं चाहते हैं कि प्रशांत किशोर किसी तरीके से एक बड़ा फोर्स के रूप में बिहार में उतरें। अगर उनको ठीक ठाक 1.5 साल 2 साल का समय मिल जाता है तो वो 40-50-60 सीटें 70 सीटें लाने में कामयाब हो सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है सर, प्रशांत किशोर 60-70 सीटें लाने में कामयाब हो सकते हैं। अगर वो 30-40 पे भी आते हैं तो भी एक अच्छा पॉलिटिकल फोर्स बन के उभरेंगे, जो नीतीश जी जो फोर्स हुआ करते थे वो प्रशांत जी हो जाएंगे। तो वो नहीं, किसी हालत में नीतीश जी नहीं चाहेंगे कि एक पॉलिटिकल फोर्स जो उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, जो उनके अगेंस्ट काम कर रहा है, वो खड़ा हो बिहार में, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर चुनाव पहले हो जाता है तो जो अभी तक उन्होंने 17-18 जिलों में पदयात्रा किया है वो उसी पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, उन्हीं सीटों पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, विनिंग मार्जिन कितना रह पाएगा, समय कम मिलेगा तैयारी करने के लिए, बूथ कमेटी बनाना है, सब बहुत काम होता है इलेक्शन में, तो आप उनमें आप पीछे हो जाएंगे। और इस वजह से जो मान लेते हैं कि आप 100 सीट पे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे तो 15-20 या 5 सीटों पे आपको सफलता मिलेगी, और उस 5 विधायक को आप 10 विधायक को रोक पाएंगे कि नहीं 5 साल तक, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर ये चुनाव 1.5 साल तक टल जाता है और 2025 के नियत समय पर ये चुनाव होता है तो प्रशांत किशोर एक फोर्स के रूप में बिहार में इस्टेब्लिश हो जाएंगे, और उस फोर्स को तोड़ना नीतीश कुमार के लिए भी बहुत टफ हो जाएगा। मतलब एक तरह से कहा जाए तो एक प्रशांत किशोर एक इमर्जिंग फोर्स है बिहार में। हाँ, उसमें कोई डाउट नहीं। और अगर 60-70 सीट अगर आपका अनुमान जो कह रहा है इतना सीट अगर आ गया तो हो सकता है कि वो अगले सीएम भी बन सकते हैं। सीएम भी बन सकते हैं, विपक्ष में बैठ सकते हैं 5 साल, और उसके बाद जब वो आएंगे तो फिर उनको रिप्लेस करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब एक तरह से नीतीश जी के वारिस भी कहिए तो प्रशांत किशोर ही बन के तैयार हो रहे हैं। तो सर बहुत अच्छा रहा आपका एनालिसिस, और बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स अ लॉट।